नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस समय करनाल के मुगल कैनाल में मेयर रेणुबाला गुप्ता और साथ में आप देख सकते हैं डीसी अनीश यादव, साथ में देख सकते हैं नगर निगम कमिश्नर जो अभिषेक मीणा और साथ में जो सभी देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है कुछ समस्या लगातार देखी जा रही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मेयर रेणुबाला गुप्ता के साथ जो ब्रिज गुप्ता हैं वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और साथ में जो डीसी अनीश यादव उनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो समस्याएं हैं वो चल रही हैं, जैसे सीवरेज की समस्या हो या कुछ अन्य जो चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं सभी अधिकारी जो हैं जो नगर निगम कमिश्नर हैं उनके साथ में जो है फिलहाल बातचीत करते हुए कि आखिर क्या क्या समस्याएं यहां पर लगातार आ रही हैं। मुगल कैनाल में पिछले काफ़ी समय से लोग शिकायत कर रहे थे, तो ऐसे में अब जो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सभी अधिकारी हैं वो मेयर के साथ यहां पर पहुंचते हुए तस्वीरों में और यहां पर और जो जो भी समस्याएं फिलहाल आ रही हैं वो यहां पर उसको एक बार ज़रूर वॉच आउट करने के लिए आए हैं कि क्या क्या जो दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं मुगल कैनाल के अंदर जो सभी जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं और मुगल कैनाल का ये आप देख सकते हैं जो अखीर भाग है, यहाँ पर भी सभी अधिकारी जो हैं फिलहाल पहुँचकर जो भी समस्याएं हैं लोगों को आ रही हैं, हालांकि उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन चीज़ों पर जो है आज यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं और क्या क्या समस्याएं लोगों की थी। और मुगल कैनाल में पहले भी कई बार बारिश के बाद जगह का बैठ जाना, सीवरेज की समस्या, जैसे सड़क की समस्या पिछले समय से चल रही थी कि पार्क जो है वो चौड़े हों, जो चौड़े पार्क हैं उनको छोटा किया जाए और सड़क को चौड़ा किया जाए, तो ऐसी कई तमाम समस्याएं थी जिनको लेकर फिलहाल आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो यहां पर मेयर जो डीसी अनीश यादव और जो नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारी यहां पर देख सकते हैं पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं और अभी फ़िलहाल देखना है कि आखिर क्या कुछ चीज़ें क्या कुछ परेशानियाँ जो हैं वो लोगों को आ रही हैं और लगातार जो है जो भी यहाँ पर समस्या थी उनको लेकर बातचीत जो है वो करते हुए देख सकते हैं जो डीसी अनीश यादव हैं सभी अधिकारियों के साथ और मेयर रेणुबाला गुप्ता और साथ में ब्रिज गुप्ता हैं तस्वीरों में और उसका निरीक्षण करने फिलहाल पहुँचे हैं। उनसे बात करने का सीधा प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो समस्याएं हैं फिलहाल यहां पर आ रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आगे की ओर और निकल रहे हैं। तो आप देख लीजिए अभी एक और लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इधर ही जो पहले सब्ज़ी मंडी लगा करती थी, सब्ज़ी मंडी का इलाका है, वहीं पर ही इस समय पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो सभी के सभी जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से जो है अभी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पूरी जानकारी हमें अधिकारियों से ही मिल पाएगी कि आखिर हर जगह जाकर जो निरीक्षण फिलहाल किया जा रहा है उसमें क्या कुछ जो है उन्होंने अभी खामी पाई है और उसमें और क्या चीज़ें जो हैं अभी वो आगे जो है उसमें तब्दीलियां लाने के बारे में सोच रहे हैं और क्या कुछ जो है वो किया जाएगा। करनाल के अंदर मुगल कैनाल का तो अभी निरीक्षण जो है फिलहाल अधिकारियों ने किया है, जो मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं उन्होंने और साथ में जो डीसी हैं अनीश यादव वो, और प्लस जो साथ में आपको बता दें जो अन्य और अधिकारी हैं। और देख सकते हैं मौके पर जो करनाल के जो एसपी हैं शशांक कुमार सावन वो फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं, सभी अधिकारियों से फिलहाल बातचीत। तो यहीं पर जो है देख लीजिए एसपी शशांक कुमार सावन भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी अधिकारियों से फिलहाल बातचीत करते हुए और अभी आगे और क्या कुछ अभी इसमें कार्य जो है वो उसमें किया जाएगा वो फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर पब्लिक के लिए क्या कुछ जो है परेशानी रहती है, मुगल कैनाल के इलाके में क्या कुछ परेशानी रहती है, वो सभी चीज़ें जो हैं वो पहले उनको कुछ शिकायतें ज़रूर आई होंगी जिनको लेकर लगातार जो है लोगों ने भी पहले कई बार कहा था मुगल कैनाल के लोगों ने जो उन्हें समस्याएँ आ रही थी, अब जाकर उन पर जो है फिलहाल निरीक्षण करके अब आगे क्या कुछ जो इस पर फैसले लिए जाते हैं वो भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं अधिकारी जो है फिलहाल बात कर रहे हैं आपस में। जैसा कि आपको बता चुके हैं मौके पर जो करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं, साथ में जो ब्रिज गुप्ता हैं, साथ में जो नगर निगम कमिश्नर अभिषेक मीणा, साथ में आप देख सकते हैं जो डीसी अनीश यादव,
साथ में आप देख सकते हैं जो करनाल के जो SP हैं शशांक कुमार सावंत, वो सभी अधिकारी जो हैं फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब फिलहाल देखना है कि किस तरीके से जो है अभी आगे इस पूरी की पूरी जो भी समस्याएं हैं उनका जो निदान है वो फिलहाल किया जाता है, जो भी लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। हम निरीक्षण किया है आज, किस के चलते ये निरीक्षण किया गया और क्या क्या देखा गया है? बस शहर में सड़कों के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़कें ठीक स्थिति में हो, मुगल कैनाल जैसे पार्क वहाँ की स्थिति और वहाँ की सफाई व्यवस्था को देख के निरीक्षण किया गया। यहाँ मुगल कैनाल Phase 2 का भी क्या यहाँ पर कुछ है असामाजिक तत्व यहाँ पर आने लगे हैं तो उन्हें भी निरीक्षण किया गया। आने वाले समय में कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके यहाँ पर शुरुआत की जाएगी और शहर में यहाँ कहीं जाम की व्यवस्था उसे दूर करने का। जो सब्जी मंडी वाला बूथ है वहाँ से यहाँ तक सड़क चौड़ी भी करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर यदि हमारी रेलिंग लगी हुई है वो उसे ठीक करवाने की। मुगल कैनाल का टेंडर लगा हुआ वही देखने आए थे कि किस तरह से बनाया जाए।